ने क्या खूब कहा है, हर बार किस्मत को दोष देना अच्छी बात नहीं, हर बार किस्मत को दोष देना अच्छी बात नहीं, कभी कभी हम भी हद से ज्यादा मांग लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको ना यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 19 अगस्त दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन से बड़े खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आइए इस वीडियो को बताएंगे कन्या राशि वालों का परिवार जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा साईं बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों आगे चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि आचार चाणक्य की 5 बातों में छिपाए आर्थिक समस्या का समाधान। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि आचार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार व गुरु थे। आपको बता दें कि आचार चाणक्य ने चाणक्य नीति में जीवन से जुड़ी अहम बातों पर प्रकाश डाला है और इसके जरिए कई सारी समस्या का समाधान भी बताया है। चाणक्य ने आर्थिक समस्या का हल भी अपने इस नीति शास्त्र में बताया है। आइए जानते हैं कैसे आर्थिक समस्या को ठीक किया जा सकता है। नंबर 1, धन की बचत जरूरी। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार हर शख्स को धन की बचत करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति धन की बचत नहीं करता है उसे बुरे समय में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे समय में बचाए हुआ धन बहुत काम आता है। नंबर 2, बुरे कर्मों में धन खर्च ना करें। दोस्तों चाणक्य के अनुसार लोगों को धन कभी भी बुरे कामों में खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों के लिए धन का इस्तेमाल करने से उसका नाश हो जाता है और लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, सोच समय का धन खर्च करें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के हिसाब से लोगों को धन का खर्च बहुत ही सोच समय कर करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता है और फिजूल खर्च करता है उस व्यक्ति को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, गलत रास्ता अपनाकर धन ना कमाएं। जी हाँ दोस्तों, आचार के अनुसार धन कमाने के लिए गलत रास्ता कभी भी अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाए गए धन से कभी भी किसी का भला नहीं होता है और ऐसा धन किसी काम नहीं आता है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि धन हमेशा ईमानदारी से कमाना चाहिए। नंबर 5, आय से ज्यादा धन खर्च ना करें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य नीति के मुताबिक किसी को भी अपने आय से अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को आने वाले समय में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आय का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आय के पंचांग के बारे में। आय का पंचांग है 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार, आय की तिथि है द्वादशी तिथि, आय का नक्षत्र है पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, ऋतु चल रहा है वर्षा ऋतु। आज सूर्योदय होगा 5:52 पर, सूर्यास्त होगा 6:57 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है 11:58 से 12:50 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है 10:23 से 4:20 तक रहेगा। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 3। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि वाले के बारे में, कैसा रहेगा आपका आय का दिन, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले, आज आप मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी। आपके पास आय पैसा पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। घर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने बड़ों की राय अवश्य ले लें, नहीं तो वे आपसे नाखुश और नाराज हो सकते हैं। आय के दिन आप किसी कुदरती खूबसूरती से खुद को सरोवर महसूस करेंगे। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सेल बना सकता है। आय के दिन शुरू किया गया निर्माण का कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होगा। आय आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर से प्यार हो जाएगा। जिम्मेदारी को पूरा करने की वजह से आपको राहत महसूस हो सकती है। मौज मस्ती पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। परिवार के लोगों के साथ जुड़े रहने की वजह से लोगों के स्वभाव को आप अच्छी तरह से परख लेंगे, जिसके कारण बार बार उन्हें होने वाले विवादों को किस प्रकार से मिटाना इस बात के बारे में आपको जागरूकता महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। नौकरी पैसा, लोगों को अपने कार्य के प्रति बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है, वरना किसी गलती की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। पुरानी खुशनुमा बातें ताजा होंगी। पारिवारिक माहौल भी सुखद बना रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। हालांकि आपको लॉटरी और सट्टेबाजी से दूर रहना होगा। घरेलू स्तर पर इस समय आपके लिए थोड़ा परेशान कर सकता है। माता की खराब सेहत आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आप अपना घर बदल सकते हैं। दोस्तों से स्नेह व सहयोग आपको मिलता रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आप दोनों में परस्पर स्नेह व सहयोग की बढ़ोतरी होगी। प्रेम जीवन आनंद में रहने के आसार हैं। कन्या राशि वाले, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप खुद को काफी सक्रिय महसूस करेंगे। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं उनके कन्या राशि में स्वास्थ्य में सुधार होने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। नौकरी पैसा, लोग काम के चलते लगातार यात्राएं कर सकते हैं। छात्रों को शिक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में जबरदस्त मुनाफे की उम्मीद
आप रख सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए समय शुभ रहेगा। पैसा कमाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग ला सकते हैं। कन्या राशि वाले आज धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, राजकीय बाधा दूर होगी, वरिष्ठ जन सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बुद्धि व तर्क से कार्य में सफलता के योग बनेंगे। यात्रा कष्टप्रद हो सकते हैं, अतः उसका परित्याग करें। व्यापार लाभप्रद रहेगा। धन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। जिन युवाओं ने हाल ही में परीक्षा दी है उनको मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आप हमेशा एक रहस्य होते हैं, लेकिन किसी की नजर आप पर होती है और वे आपको जानने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में आपको जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। एक अप्रत्याशित चक्कर आपको एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने की अनुमति देगा। सेहत के लिए सलाह दी जाती है कि बासी भोजन से परहेज करें। आपके जीवन में घटने वाली कोई घटना ईश्वर के प्रति आस्था को और मजबूत करेगा। इस समय जो कुछ भी सकारात्मक हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें और उस नकारात्मकता को भूलने की कोशिश करें जो आपको नीचे ला रही है। आज जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई काम पूरा हो सकता है। साथ ही उनकी बेहतर सलाह मिलने से आपको पैसे कमाने का नया जरिया प्राप्त हो सकता है। मित्रों से किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है। इस राशि के टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी काम में सफलता मिलेगी, आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ फील करेंगे। आज आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचना चाहिए। माँ लक्ष्मी को सिंदूर का तिलक लगाएं, आपकी सभी समस्या का निवारण होगा। आज अगर आप किसी कानूनी काम में हाथ डालने जा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कानूनी कार्यों को कार्य करने का दिन आज बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। किसी भी दुर्घटना से पूरी तरह सतर्क रहें। आज किसी बात की चिंता आपको दिन में कई बार सताती रहेगी, किसी बात को लेकर चिंतित भी रहेंगे। घर परिवार में लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। आपका प्यार आपसे दूर जा सकता है। समय से तालमेल की कमी वाद विवाद और शत्रुता का रूप ले सकती है। कठिन हो सकती है, गलतफहमी होने की संभावना है। कार्यस्थल पर संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कोई सकारात्मक काम नहीं हो पाएगा। अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आपकी हालत बहुत ही खराब रहेगी। अशांत मन और न्यून रोग प्रतिरोधक शक्ति से आप परेशान रहेंगे। आप पित्त संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। आप काफी सुस्त और कमजोर महसूस करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको निराशा और परेशानी का अनुभव होगा। आपके आत्मविश्वास के स्तर में कमी आएगी। आज यात्रा के लिए बिल्कुल भी शुभ दिन नहीं है। आपको निसंदेह भटकना पड़ सकता है। किसी भी परिणाम को प्राप्त किए बगैर इससे केवल समय और सहन शक्ति की हानि होगी। आज निश्चित रूप से आपके लिए एक भाग्यशाली दिन नहीं है। इसे शुभ बनाने के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। आज का ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक और खुशी भरी परिस्थितियां बना रहा है। आपकी कोई योग्यता लोगों के समक्ष जाहिर होगी, इसलिए अपने खास कार्यों पर उचित ध्यान दें। आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। कभी कभी आपका मन किसी अनजाने में की वजह से विचलित हो सकता है। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करें। आपको समस्या का जो समाधान मिलेगा, कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करना जरूरी है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दिन आपके लिए मिले जुले प्रभाव लेकर आने वाला है। उतार चढ़ाव के साथ लाभ की स्थिति बनेगी। शनि की एकादश भाव में दृष्टि है और दिन के उत्तरार्ध में सूर्य तथा बुध एकादश भाव में चले जाएंगे। इससे आमदनी में वृद्धि होगी। आपके परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। आप अपने प्रयासों से आय के स्रोत बढ़ाने में सक्षम होंगे। लेकिन द्वादश भाव में शुक्र और मंगल भी बैठे हैं, उनको बृहस्पति की दृष्टि को लाभ भी मिल रहा है। इससे खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। शुक्र आपको विलासिता पर खर्च के लिए प्रेरित करेंगे तथा मंगल उसको और हवा दे देंगे, इसलिए फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाए जाना आवश्यक है। दोस्तों, विलासिता के प्रति आकर्षण घटेगा। 27 अगस्त तक आपको विशेष रूप से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आर्थिक संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। दोस्तों, 29 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में आ जाएंगे तो स्थिति में थोड़ा सुधार आ सकता है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों, आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों, घर में रहकर अगर सच्चे मन से साई बाबा की पूजा आराधना करते हैं तो साई बाबा आपके जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और रोहित कन्या राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यह का राशि फल अपने दोस्तों से शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।